ऑनलाइन सबमिट चैनल पर दोस्तों आप लोग का फिर से यहां पर स्वागत है। दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पिताजी आपका हिस्सा ना दें तो उस जमीन को कैसे हड़पते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं यहां पर पूरी तरीका से आपको बताने वाला हूं कि जो भी आपके पिताजी का जमीन है वो अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं, उस जमीन को कैसे हड़प सकते हैं, ले सकते हैं। यहां पर मैंने टाइटल बहुत ही जोरदार लगाया हुआ है कि अपने पिताजी का जमीन कैसे हड़पते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी के पिताजी जो होते हैं आपका बिना राजामंदी के वो लोग नहीं दे पाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी पूरी तरीका से खुश रहें, जो भी उनके पिताजी हैं पूरी तरीका से आप चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें और वो जो जो जमीन है उस जमीन को अपना हिस्सा कैसे लेकर हम अलग रह के आप अपना पूरी तरीका से कारोबार कर सकें, खान पान देख सकते हैं, पूरी तरीके से जमीन अपने नाम पर कैसे करना है। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा पहली नंबर। तो चलिए यहां पर ध्यान से देखते हैं। देखिए पहली नंबर तो ये बता रहा हूं कि अगर आपके पिताजी नहीं मानते हैं कि बंटवारा करने का, तो पूरी तरीके से इस इंफॉर्मेशन को देखकर आप अपना फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इकलौते बेटे हैं और आपके पिताजी अगर आपको जमीन नहीं दे रहे हैं, हिस्सा नहीं बांट रहे हैं, तो उस जमीन को कैसे हड़पते हैं, लेते हैं, उस जमीन को अपने नाम पर कैसे कराना है, पूरी तरीके से जान लीजिए। देखिए पहला होता है आपसी सहमति बंटवारा। ठीक है, आपसी सहमति बंटवारा, अगर आपस में समझ बूझ कर पूरी तरीका से वो बंटवारा कर लेनी होती है, उसमें कहीं भी कुछ नहीं लगना रहता है। अगर वैसा हो जाता है तो मैं तीन कंडीशन बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, आपका प्रॉब्लम का सलूशन यहीं मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बताया कि पहली बार आपसी सहमति बंटवारा अगर आपस में समझ बूझ कर वो लोग पूरी तरीके से, आप और आपके पिताजी, अगर दो भाई हैं, तीन भाई हैं, चार भाई हैं, उससे मतलब नहीं है, जो भी आपके पिताजी हैं उनसे मतलब नहीं है, आप लोग में आपसी सहमति होनी चाहिए। अगर वो ऐसा है तो आपसी सहमति बंटवारा के अनुसार किसी भी सब रजिस्ट्री ऑफिस यानी कि जिला निबंधन कार्यालय में जाना होता है, एक वकील से मिला जाता है और वो पूरी तरीके से जमीन को बंटवारे के थ्रू कर देते हैं। ऑनलाइन मोटेशन करवा के अपने नाम पर जमीन कर सकते हैं, जमाबंदी कर सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन अपने अपने नाम पर कर सकते हैं, कागजात भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसी सहमति तो हो गया। अब दोस्तों क्या होता है, दूसरा स्टेप जब पार करते हैं कभी कभी लड़ाई झगड़ा का चांस बनता है, जिसमें आपके वार्ड मुखिया, आपके कुछ पहचानने वाले लोग, उनके कुछ पहचानने वाले लोग वहां पे जरूरत पड़ती है और वहां पर आते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में भी कभी कभी क्या होता है, झगड़ा लड़ाई का टेंशन बन जाता है, नहीं हो पाता है। तो तीसरा कंडीशन होता है सीओ के अंडर से, सीओ के पास एक रसीद कटवाते हैं ऑनलाइन, आपको वहां पर कुछ रुपए की 100-150 रुपए की रसीद कटती है, वहां से खुद कर्मचारी आकर सीओ के अंडर से आकर आप अपना पूरी तरीके से बंटवारा करते हैं, उसी तरीके से आप अपना करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन कंडीशन है कि जो भी आपके पिताजी हैं अगर वो जिंदा हैं तो कैसे होगा अपने नाम पर जमीन, मर गए हैं तो भी उस जमीन को कैसे हड़प सकते हैं। फाइनली आपको ये वीडियो देखना बहुत ही अभी जरूरी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए अगर मर गए हैं तो मैं बता रहा हूं, अगर आपके पिताजी डेट कर गए हैं, मर गए हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप उनके इकलौते बेटे हैं, एक लड़का है, कुछ नहीं करना रहता है दोस्तों। जो भी जमीन है अगर इकलौते हैं तो सारा जमीन आपका ही है, आपका ही उस पर पूरा हक होता है, समझ जाइए। वो पूरा जो जमीन है वो अपने नाम पर जाके किसी भी वहां पर ऑनलाइन मोटेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में जो भी खाता प्लॉट खेसरा जितना रकबा है, जितना जमीन है, पूरा जो जमीन है वहां पर देखकर नोटरी कराकर आप अपने नाम पर करा सकते हैं। दादा परदादा किसी का भी जमीन हो अपने नाम पर करा सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों डेट नहीं किए हैं, अगर आपके पिताजी जिंदा हैं, उस कंडीशन में आपको बंटवारे के थ्रू ही आना होगा। जैसे कि मान लीजिए इकलौते बेटे हैं, अगर आपके पिताजी जिंदा है तो दो तरह से बंटवारा होती है, एक पिताजी का और एक आपका, दो जगह बंटवारे होती है इस कंडीशन में। अगर तीन भाई हैं तो उस कंडीशन में तीन जगह बंटवारा होती है, जो दो भाइयों का बंटवारा और साथ में एक पिताजी का, तीन जगह बंटवारा कर दी जाती है, क्योंकि जो लोग उनके पिताजी को करेंगे उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है और पूरी तरीके से उनका मतलब कार्यबल चल सके। तो इस तरीके से जो भी जमीन है वो अपने नाम पर करा सकते हैं।
अगर जिंदा हैं तो बंटवारे के थ्रू कराएंगे। मेरा कहने का प्रोसेस ये है, मैंने ये टाइटल थंबनेल ये क्यों लगाया कि अपने जमीन को कैसे हड़पते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर मर गए हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, बंटवारे अगर दो भाई हैं, तीन भाई, एक भाई हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दो भाई हैं तो भी बंटवारे के थ्रू जा सकते हैं, जिंदा है तो भी आपके पिताजी का अलग हिस्सेदारी होगा। कहने का मतलब यही था और फुल प्रोसेस के साथ ये वीडियो आपको यहाँ पर दे दिया हूँ और पूरी तरीके से जो जमीन है वो अपने नाम पर करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।